लाइफ कभी रुकती नहीं। आपका जो माइंड है वो ऐसे 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 भागता है तो प्रॉब्लम होती है ना। तो मुझे कुछ करना है ना है ना है। नेगेटिव इंस्ट्रक्शन मत दो। शास्त्रों में बताते वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। गिव एन ऑपोजिट इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड। डोंट गिव नेगेटिव इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड। ऑलवेज गिव पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड। सिंपल। मैं नाई की दुकान पे बाल कटा रहा था। पर्सनल स्टोरी बताऊंगा तो जरा एक बारी खड़े हो जाइए। कुछ अमेजिंग बात है। ग्रेट गाइस। ऑटो सजेशन। नाई की दुकान पे बाल कटा रहा था और मैं देख रहा था वहां गाना चल रहा था। हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं और लोग गुनगुना रहे हैं। ऑटो सजेशन। जब गाना ऐसा सुनोगे किस गली जा रहे हैं मालूम है नहीं ठिकाना क्या है। गोल स्टेटमेंट की कमी है तो सफलता कहां से मिलेगी। आर यू विद मी लवलीस्ट? नो। पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन। जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, अमृतसर से जहाज उड़ा दिल्ली के लिए, आपका जहाज जब बादल में फंसता है तो एयर होस्टेस बोलती है पुट योर सीट अपराइट, वेयर योर सीट बेल्ट, सिट बैक एंड रिलैक्स। इमेजिन करो एयर होस्टेस आपको बोले देवियों और सज्जनों वो हमारा जहाज बादल में फंस गया है। आप लोग कृपया टेंशन ना लें। पूरे जहाज में क्या हो जाएगा? टेंशन। टेंशन लेने को मना कर रही है। वो कह रही डोंट टेक स्ट्रेस। वो सारे स्ट्रेस से लग जाएंगे। ओए वाहिगुरु वाहिगुरु है। क्योंकि वो नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे रही है जी। वो क्या के? इसलिए एयर होस्टेस को सिखाते हैं ये मत बोलो कि डोंट टेक स्ट्रेस। वो कहती है ऊपर आप कुर्सी सीधी कर लें, सीट बेल्ट लगाएं, पुट योर सीट बेल्ट, सिट बैक एंड रिलैक्स। ए कम ऑन, सिट बैक एंड रिलैक्स। आपको लगता है अच्छा अच्छा रिलैक्स करना है। हाँ हाँ ठीक है। आदमी टेंशन नहीं लेता है लेकिन वो बोले स्ट्रेस मत लो तो स्ट्रेस हो जाएगा। इसीलिए जो माता पिता भी बैठे हैं बच्चों को ये बोलने की बजाय ये मत करो वो मत करो उनको बताओ करो क्या।